इधर से उधर, उधर से इधर आए गए, तो वो त्रासदी सुन के भी रूह कांपती है, तो इसलिए उन्हें याद रखना चाहिए। क्या जी, याद रखना चाहिए ना, कैसे कैसे लोगों ने हमारे देश को आज़ादी कराई। कितने मिल्खा सिंह का उदाहरण है आप जानते हैं, है ना, धावक एथलीट दुनिया में जिसने नाम किया, उनका परिवार एक उदाहरण के तौर पे पूरा ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान से, इधर वो अकेले बच गए। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के इधर आए, तो अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन उनको नमन करना है, हमें भूलना नहीं है। कई बार युद्ध हुए बाद में भी, 48 से शुरू हो गया, बाबरी हमला हो गया, है ना, फिर और 62 हुआ, फिर और 65 में हुआ, फिर और ऐसे होते होते अभी 99 में हुआ करगिल का। तो इस सब से लड़ने के लिए मेरा यही निवेदन है, सजग रहना है, अपने देश का समर्थन करना है, अच्छी चीज़ों को लेना है, खराब चीज़ों को छोड़ना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या देश में भ्रष्टाचार, जब तक इस पर अंकुश नहीं है, हालांकि ख़त्म कोई नहीं कर सकता ऐसा दावा है, लेकिन कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम और आप सभी मिलकर थोड़ा उसको ये करेंगे, सहयोग देंगे तो कम होगा। देश बहुत बड़ा है, बहुत विविधता है, दुनिया में पहला देश है जहाँ इतनी अनेकता है, ऐसा कहीं नहीं होता। कश्मीर से चलिए कन्याकुमारी तक आइए, कच्छ से चलिए इधर आपके आसाम तक आइए, कितने वेरिएशन है। आप कश्मीर से निकलेंगे, बर्फ़ पड़ रही होगी, ट्रेन से चलिए बर्फ़ पड़ रही, आपकी ट्रेन बर्फ़ में ढकी होगी, धीरे धीरे आप आ रहे हैं, कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे तो वहाँ आपको पूरी शर्ट निकालनी पड़ेगी, वहाँ कोट पैंट सब पहन के आई कंबल, है ना, कन्याकुमारी आते आते सब निकाल देना, पसीने वो भी निकाल के भी पसीने पसीने, इसलिए वहाँ लोग क्या करते हैं, लुंगी का इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से पहनना उतारना होता है, तो अपने अपने रिवाज से अपने वेशभूषा भी वैसे ही बनाई गई। तो ये ऐसी विविधता क्लाइमेट में भी, रहन सहन में भी, खान पीन में भी और भाषा में भी आपके देश में ही मिलती है, उसके बावजूद हम एक हैं। तो ये विश्वास हमारे अंदर